कहते हैं कि बचपन उम्र या पद का मोहताज नहीं होता, खास तौर पर जब बाप के सामने स्कूली बच्चे और क्लास चल रही हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजारा रामपुर की तहसील स्वार के एम माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला। देखिए तो सही, यहाँ डीएम साहब की क्लास चल रही है। यहाँ कोई उनका सरकारी अफसर या उनके मातहत नहीं है, यहाँ डीएम टीचर बनकर बच्चों की क्लास ले रहे हैं। रामपुर के जिला अधिकारी आनंद जे कुमार सिंह तहसील स्वार में खेमपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण पर निकले तो बच्चों की क्लास चल रही थी। छठी क्लास के बच्चों को पढ़ते देख वो खुद को रोक ना सके। माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के समय जब वो पूरे स्कूल का जायजा ले रहे थे तभी उनकी नजर छठी क्लास में पढ़ रहे बच्चों पर पड़ी और वे पहुंच गए क्लासरूम में, और देखते ही देखते डीएम साहब कुछ देर के लिए सही मास्टर जी बन गए। हाथ में डस्टर तेजी से ब्लैक बोर्ड पर फिसलने लगा और बच्चों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उमड़ने लगी। बच्चों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। बात सामान्य ज्ञान से शुरू होकर पड़ोसी देशों तक जहां पहुंची। फिर क्या था, मास्टर बने डीएम ने बच्चों के सवालों के ना सिर्फ जवाब दिए बल्कि पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य जानकारी भी बच्चों को दी। भारत का मानचित्र बनाकर पड़ोसी देशों की जानकारी देना बच्चों ही नहीं स्कूल के टीचरों को भी खूब भाया। आज टीचर भी मास्टर बने डीएम की क्लास अटेंड कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि क्लास में बच्चे बैठे थे, बाकी सब पीछे खड़े होकर अपने नए टीचर का गौर से सुन रहे थे। इसके बाद स्कूल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों की अटेंडेंस के बारे में पूछा और इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से भी लगातार संपर्क में रहने को कहा। डीएम ने फिर मिड डे मील और तमाम प्रकार की सुविधाओं को सुधारने के निर्देश दिए। मास्टर बने डीएम साहब जब स्कूल परिसर से बाहर निकल रहे थे तब स्कूल के बच्चे उन्हें छोड़ने बाहर तक आए। डीएम के लिए यह दौर कोई आम दौर नहीं था, इस दौर में वह अपना बचपन जी कर आए थे। किसी ने बचपन के स्कूली दिनों पर क्या खूब लिखा है, वो स्कूल के बस्तों को हर रोज सजाना, वो स्कूल में कभी पेंसिल कभी रबड़ का खो जाना, वो छुट्टी की घंटी बजते ही यूं दौड़ लगाना, ना जाने कहां खो गया वो मनमौजी का जमाना। हमेशा याद रखना इसके सिर पे उत्तर होगा, नॉर्थ, उत्तर, पैर पे साउथ, उत्तर दक्षिण, और ये पूरा पश्चिम। कैसे, किधर मुंह करके खड़ा होगा तो? जब ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है अभी, मान लो क्या क्या नाम है सर? भारत का नक्शा बना के दिखाया। अच्छा, और क्या क्या बताया था सर? बताया अच्छे डीएम साहब लगे रामपुर के सर। डीएम साहब ने आपको क्लास में पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया था? इंडिया के बारे में पढ़ाया। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया पूरी बात बताओ। उत्तर दक्षिण सब चीज बताई थी। अच्छा, और मैथ भी पढ़ाई थी? नहीं सर। बेटा नाम क्या है आपका? तकमील हुसैन। अच्छा, डीएम साहब ने जो आपकी क्लास चलाई थी आज सर, क्या क्या पढ़ाया था आपको? सर उन्होंने मैप बनाना सिखाया था हमको, तो सर मैप बनाने सिखाया था सर हमको, मैप का ज्ञान दिया था सर, मैप बनाया था सर। उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के आसपास कितने देश हैं सर। अच्छे डीएम साहब लगे सर? अच्छे लगे डीएम साहब। अब बोलो। डीएम साहब हमारे स्कूल में आए और हमको मैप पढ़ाया, मैप उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, पर डीएम साहब बहुत अच्छे हैं मैम, मैप का हमारे हमको सारा ज्ञान हो गया है सिक्स वालों को बस। आजकल आप जो है स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको जो है बड़ी जो है जनता की तरफ से बहुत अच्छा उसमें मैसेज आया है कि प्रसन्नता हो रही है आपकी, किस तरीके के बच्चों को पढ़ाने का जो आपने जो है निर्णय लिया है स्कूलों में जाके? देखिए, इसमें क्वेश्चन बच्चों के पढ़ाने का नहीं है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ भी तो हर जगह बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इसमें मुद्दा है प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको सुधारने का, और उसको सुधारने के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, वो चाहे बच्चों के मिड डे मील से संबंधित प्रॉब्लम हो, या बच्चों के स्कूल के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या उनकी क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा हो। बाकी जो सरकार की तरफ से उनको सहूलियतें दी जा रही है वो उनके पास पहुंचने का, उससे सबसे ज़्यादा क्रूशियल ये है कि किसी भी स्कूल में जब तक अगर पढ़ाई स्टैंडर्ड नहीं होती तब तक हर एक चीज़ का मायने ख़राब हो जाता है। टीचरों को हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन, और वो भी ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चे खेल खेल में सीख सकें,
उसकी कोशिश की जाए। इसी कोशिश के तहत जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो अपना प्रयास करता हूँ कि बच्चों को समझा जाए और वहाँ की स्थिति को समझा जाए, उसके हिसाब से फिर टीचरों की भी बात समझी जाए। तो हम दोनों को समझते हुए, टीचरों को और बच्चों को समझते हुए आगे सुधार करना चाहते हैं। उसी की कोशिश के तहत जब कहीं भी मैं जाता हूँ तो कोशिश अपनी तरफ से करता हूँ कि उसमें एक बार पढ़ते पढ़ाते कई बार बच्चों के साथ बैठ के टीचर को सुनते हुए एक उस जगह के वातावरण का फील ले सकें और उसके हिसाब से आगे प्लान बना सकें कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।